बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की बेइंतहा फजीलत व बरकात हैं। बाज़ औक़ात लोगों पर दुरूद पाक पढ़ने से बहुत जल्दी मुशाहिदात और रूहानी ख्वाबों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं और बाज़ लोगों को इसमें दिक्कत आती है या देर से शुरू होते हैं। बस सारा मामला हमारे पढ़ने के सबब है और हमारी रूहानी मामलात में हमारे अमाल का भी बहुत दखल है कि हमारी सोचें, हमारा तर्ज अमल, हमारी तर्ज ज़िंदगी किस तरह से है, उसी के मुताबिक हमें अल्लाह अज़्ज़ोजल नवाजता रहता है। इसी ज़मन में एक दुरूद पाक का मुशाहिदा समाप्त फरमाइए। लिखते हैं कि मेरी बहन दुरूद खिजरी एक कॉपी पर रोज़ाना बाकायदगी के साथ लिख रही हैं। एक रोज़ उन्होंने ख्वाब देखा कि जो दुरूद खिजरी वो लिखती हैं उसे अपने भाई को दिया, यानी उन्होंने ख्वाब में अपना लिखा हुआ दुरूद खिजरी अपने भाई को दिया और उनसे कहा कि इसकी एक फ़ोटो कापी करवा के ले आओ। जब वो फ़ोटो कापी करवा के ले आते हैं तो क्या देखती हैं कि कागज़ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुरूद खिजरी लिखा होता है, यानी उन्होंने तो जो दिया था वो आम से लिखा हुआ दिया था, लेकिन फ़ोटो कापी आने के बाद वो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है और ख्वाब में ही वो फ़ोटो कापी हर किसी के घर में तकसीम करती हैं और कहती हैं कि दुरूद खिजरी कसरत से पढ़ा करें। इसके बाद देखती हैं कि लकड़ी के तीन दरवाजे हैं, हर दरवाजे को ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है कि इन लॉक्स की आप फिक्र ना करें, इन तालों की आप फिक्र ना करें, इनको खोलना हमारा काम है, बस आप दुरूद पाक पढ़ती रहें और लिखती रहें। इन बहन ने माशाल्लाह से दुरूद खिजरी 3 लाख मरतबा वर्द कर लिया है और दुरूद मुख्तसर 40,000 मरतबा तक पढ़ लिया है। रोज़ाना ये एक सफ़ा दुरूद खिजरी का भी लिखती हैं। अल्लाह ताला ने इन खातून पर खुसूसी करम फरमाया, इन्हें रूहानी बरकत नसीब फरमाई, इनकी रूहानी परवाज़ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दुरूद खिजरी का हम सबको पता है कि नहायत ही मुख्तसर लेकिन नहायत ही बाबरकत दुरूद शरीफ है और दुरूद खिजरी के नहायत ही बेशुमार हमने तजर्बात वाकियात देखे, क्योंकि दुरूद खिजरी पढ़ने से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रूहानी तरबियत फरमाते हैं या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद खिजरी पढ़ने वाले की तरबियत फरमाते हैं। दुरूद खिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कबूल व मकबूल दुरूद शरीफ है और नहायत मुख्तसर सा भी है, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। ये दुरूद खिजरी है, इसके मुख्तलिफ सीगे हैं, आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। दुरूद मुख्तसर जो है वो भी बहुत ही प्यारा दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और इस दुरूद पाक को एक मरतबा पढ़ने से 70 रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुरूद मुख्तसर पढ़ने से ज़िंदगी के हर काम आसान हो जाते हैं और वक्त में भी खूब बरकत होती है, और ख़ास कर दुरूद शरीफ थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जाता है। तो जो लोग कारोबारी मसरूफियात की वजह से दुरूद पाक को टाइम नहीं दे सकते हैं, वो दुरूद खिजरी या दुरूद मुख्तसर रोज़ाना के मामूलात में शामिल कर लें तो ये कम वक्त में ज़्यादा पढ़ लिया जाएगा और इसकी खूब बरकतें, खूब बहारें भी मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने से हम सब की रूहानी मनाजिल आसान फरमाए, हम सबको दुरूद पाक की बरकतें फ़ज़ाइल अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।